एक घर दे विच अजीबो गरीब तरीके दे नाल चोरी हुई है। की तुसी सुनिया है कि ताले भी ना टुटे होण ते घर दे विचो सारा समान ही चोरी हो जावे। जी हाँ, दस दिए कि एक अजिही चोरी वापरी है जिथे कि दो भरा उपर नीचे रहिंदे ने। पहला तां उपर वाले भरा दे घर चोरी हुंदी है ते सारे ही सोने दे गहने अते नाल ही नकदी लैके कोई फरार हो जांदा है ते फिर उसदे वल्लों पुलिस नूं शिकायत दित्ती जांदी है। हालांकि दोवां भरावां ने एक दूजे दे उत्ते ही इल्जाम लाए ने। जदों उपर वाले ने पुलिस नूं शिकायत दित्ती तां नीचे वाले दे घर वी चोरी हो गई। हालांकि उन्हां दा कहना है कि बिना ताला टुटे ये चोरी हुई है, किसी भेती बंदे दा ही ये काम लगता नजर आ रहा है। तां दोवां ही भरावां ने एक दूजे दे उत्ते काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए ने ते हुण पुलिस नूं इस दी सूचना दित्ती गई है ते पुलिस दे वल्लों मामले की जांच शुरू कर दित्ती गई है। तां करनाल तों ये मामला सामने आया जिथे कि बिना ताला टुटे ही दो घरां दे विच चोरी हुई है। दरअसल दोवें भरा उपर नीचे रहिंदे ने, एक भरा उपरले फ्लोर ते ते दूसरा भरा निचले फ्लोर ते। हालांकि जदों उपरले फ्लोर वाले दे घर चोरी हुई तां उसने पुलिस नूं शिकायत दित्ती। जदों पुलिस मौके दे उत्ते पहुंची तां छोटे भरा ने भी देखा कि उसके घर दे विचों भी सारा समान गायब है। हालांकि अलमारी जो है वह बंद है, चाबियां जिथे पईआं ने उत्थे पईआं ने, पर फिर भी घर दे अंदरों सोने दे गहने अते नकदी चोरी हो गई, जिस तों बाद दोवां ने एक दूजे दे उत्ते ही गंभीर इल्जाम लगाए ने। हालांकि दोवां दा इस मौके की कहना है, आओ तुहानूं पहला उह सुणा दिंदे आं। सर, ये चोरी हुई है, हमें भी नहीं मालूम हुआ, ये मालूम जब पता चला है, जब ऊपर वालों की चोरी हुई है, उन्होंने रिपोर्ट करवाई, हमने देखा तो हमारी भी चोरी हुई है। उन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगवा के घर वालों ने चोरी करी है। उनकी सिर्फ दो चीज़ चोरी हुई है, बाकी कैश उनका वैसे का वैसा पड़ा था, और सामान वैसा, और हमारा सारा A to Z चोरी हुआ है जी। क्या क्या चोरी हुआ आपका बताओ फिर। बहुत सारा सामान है, टोपस है 3 जोड़ी और 3 अंगूठियाँ हैं, 2 चैन है, 1 कंठी वाला मंगलसूत्र है, 1 नेटलिस है, बहुत सारा सामान हैगा हमारा। तो लगभग कितना होगा? लगभग 17-18 तोला हैगा। पुलिस ने दी जानकारी? जानकारी दी वो सुन नहीं रहे, परसों से हम परेशान है, वो आए भी नहीं देखने भी नहीं आए वो तो एक बार भी। तो कोई ताला भी नहीं टूटा हुआ? ताला भी नहीं टूटा, चाबी जहाँ रखी थी वहीं रखी है चाबी। तो हैरान कर दे वाले, कोई ताला नहीं, कोई घर में मुझे तो कोई इनको शक है घर ऊपर वालों पे। मुझे तो ऊपर वालों पर पूरा विश्वास है, घर शक नहीं है, पूरा विश्वास है मुझे तो। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ 3 जनों ने चोरी की है। वो तो पुलिस जांच का है, लेकिन एक मियाँ बीबी है और एक उसका जहाँ वो काम करती है उसका यार हैगा। है अभी ऊपर? हाँ जी, ऊपर है शायद। बुला देंगे एक बार? हाँ बुला देंगे। उनका भी हुआ चोरी? हाँ उनका भी हुआ। वो कह रही मेरे 2 1 कड़े और मेरा नेटलिस चोरी होया, बाकी और सारा सामान कैश कितना सारा था सारा पड़ा होया उसका। आपकी नजर कब गई? हमने जब उनने कल खोला, जब उन्हें शोर करा, जब वो चले गए यहाँ से चौकी, फिर मैंने चेक करा, इन्हें फोन आया कि मैं चेक कर ले, तो मैंने जब देखा उस पर ऐसे हाथ धरा, उस पर कुछ भी नहीं था सर। और ताले ऐसे कैसे लगे पड़े, फिर मैंने चाबी नहीं खोला तो ऐसे कैसे सब कुछ लगा पड़ा था, बस सामान गायब था, डब्बियाँ कुछ छोड़ गए छोटी छोटी, बाकी सारा कुछ ले गए। हाँ पहले हमारे घर चोरी हुई, हमें सुबह पता चला 7 बजे उठे, हमारी चोरी हो गया, फिर हम कंप्लेंट करने गए, उनके बाद इनकी चोरी हुई है। हमने जब चेक करा तब तो ये, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं, ये हमारा पहले ही हो चुका था जब मेरा साफ कर दिया। ये हमारा पहले ही हो चुका है, ये पहले हमारी चोरी हुई है तो इनकी बाद में चोरी हुई है, तो इनको पहले नहीं देखना चाहिए था? पहले हम सके नहीं, जब सालों साल हमने घर के थ्रू कंप्लेंट डाली है, हमने किसी का नाम नहीं दिया है कि इन्होंने चोरी करी है, वो तो अपने आप कार्रवाई करेंगे, हमने किसी का नाम नहीं दिया है, हमने घर के थ्रू दी है चोरी हुई। हाँ दे दी पुलिस। हाँ हमने ये नहीं नाम लिया। क्या क्या चोरी हुआ आप हम उन्हें बताएंगे? बेबो हमारा सारा जेवर चोरी हुआ है। तकरीबन क्या क्या होगा? हमारा नेकलेस है, अंगूठी है, चैन है, गोल्ड का मेरा सारा सामान चोरी हुआ है। 2 दिन मेरी चाबी गायब रही है, चीजें लिखवाई गई हैं, ठीक है। 2 दिन मेरी चाबी गुम रहती है, 3रे दिन चाबी मेरी वहीं मिलती है, ठीक है। उसमें तिजोरी में देखा तो कुछ नहीं। क्या अलमारी में रखा होगा? हाँ अलमारी में रखा था। किसी को थी जानकारी चाबी? और मैंने पुलिस कंप्लेंट लिखवा रखी है, मुझे फोन आया है, मैं वहाँ जा रही हूँ।